में वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का जबरदस्त रश है। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स का रुख कर रही है। वसीम खान रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर में जहां हैदराबाद के अस्पतालों में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं हुकूमती इकदाम के बाइस लोग भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की जानिब रागिब हो रहे हैं। शहर भर में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। शहरी कहते हैं वैक्सीन लगवाने के हवाले से बहुत सी अफवाहें थीं, लेकिन चौथी लहर के बाद वो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। बस जब सुना लोगों से तो ये जब देखा लोग लगवा रहे हैं ज्यादा से, पहले तो इसके मामले में इतनी मतलब वो गलत फहमियाँ थी सब कुछ, अब जब क्लियर हो गया तो लगवाने आए। जब दुनिया लगवा रही है तो हमने कहा हम भी लगवा लें। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना एक हकीकत है, SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन से ही इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रही है और इसके नतीजे में इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद मरीज 80% बच सकता है कोरोना जैसे वबाई अमराज पे, 20% चांसेस होते हैं कि उसको कोरोना हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट से बचाव या सिम बंद होने का खतरा, वजह जो भी हो, लोगों में कोरोना से महफूज रहने के लिए संजीदगी दिखाई देती है। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद।